वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आइए मैं आप सभी हजरात को एक बच्चे से मिलवाता हूँ और पूछता हूँ उसके बारे में क्या है। शक्ति कपूर। शक्ति कपूर, अच्छा बहुत भयानक नाम है बॉस। और पापा का नाम क्या है? दिनेश मलार। घर का है तुम्हारा? सुजन कटघरा। सुजन कटघरा, 24 स्टेशन, अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट क्या है तुम्हारा? हजारीबाग। तो यहाँ पे तुम लोग कितने लोग आए हो? बहुत लोग। बहुत लोग, सब एक साथ रहते हो? काम क्या करते हो फिर? काम डब्बू पहला बेचते। डब्बू पहला? डब्बू और पहला क्या, जो चावल नापते हैं? बिकता है? अच्छा, और नहीं बिकेगा तो फिर खाना क्या, खाना वाना कैसे खाएगा? बैठेंगे और उसको हम पैसा जाएगा, चावल लेंगे और बैठ के चावल लेके खाएंगे। तितिर फसाता, वो पंछी? पंछी पंछी तितिर। तितिर वही पंछी तो, और क्या फसाता है? डाहू। अच्छा वो क्या होता है, वो भी उसको भी खाता है? सब तुम भी खा सकते हो गाहू। क्या फायदा होता है उसको खाने से? दवाई बनता है। क्या चीज़ दवाई बनता है? दवा जो आपको पेट टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ मेरा, हाँ और उसको खाएगा अच्छा हो जाएगा, उसको उससे बनता है दवाई, डॉक्टर को दे देंगे, मीठ अमरूद को दे देगा, दे के तकर बाद से वो आप पे पैर ले लेगा डॉक्टर, तो बना लेगा सुखा के, आप दवा बना लेगा, दवा बना कर बेचेगा। अच्छा, टैबलेट बना कर बेचेगा। वो ऐसा बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ हजरात, इसका बोलने का मतलब ये है कि डाहू एक पक्षी होता है जो कि लोग फंसाता है, और उसका जो हड्डी होता है, हड्डी डॉक्टर लोगों को दे देता है, उसको पाउडर करके उसको टैबलेट बना कर दवाई बना के कस्टमर में बेचता है ना, बाकी मीट तुम लोग खा लेता है। अच्छा यही सब। उसको मैं 500 पैसा एक डाहू का लगता है। एक डाहू का 500 रुपया, मतलब वो पक्षी ऐसा है कि एक पक्षी का 500 रुपया लगता है बेचता है तो? मीट हम लोग के दे देते हैं। हाँ, सिर्फ हड्डी का 500 रुपये देता है? हाँ। अच्छा बहुत ही कमाल है। और पैर टूटने के बाद भी उसमें काम आता है? हाँ। अच्छा, और क्या क्या फंसाता है? कछुआ फंसाता है, खरगोश वगैरह? खरगोश फंसाते हैं। तो इस मगर बड़ा जाल नहीं, छोटा जाल है, तो इसी तरह से पूरा गाँव का घूमते रहता है, अपन गुजर काटते हैं, इसी तरह गुजर काटता है। घर तुम लोग का नहीं है? हाँ, तुम लोग सबका घर नहीं है, घूम घूम के ऐसे ही रहता है। हेलो, मैं आया से इधर आया से वो इन्हें आया, तो मैं चाहता हूँ क्या, मैं शेर सुना रहा हूँ। शेर तुमको आता है? हाँ। अच्छा वाह, सुनो सुनो, कौन सा शेर सुनाओगे? सुनो। खातू पांतू तू लाल, मेरा नाम है सनी देवाल, पहाड़ में जाकर जलाता हूँ अगरबत्ती, मेरा नाम है मिथुन चक्रवर्ती। 90 चुटकी 16 ताल, लगड़ के खैनी मुँह में डाल, फिर खैनी का देख कमाल। अच्छा, खैनी खाता है तुम? खैनी खाता है? अरे इतना छोटा सा उम्र में खैनी खाता है तुम? नहीं खाना चाहिए खैनी। अब तुमको बात में मैं छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देना, खैनी खाने से शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है खैनी तम्बाकू। जो खैनी तम्बाकू सिगरेट ये सब जो हो गया ना, सिगरेट नहीं पीते, खाली एक चीज है, मैं खाता क्या, खैनी खाते खाते एक दिन गुटखा खा लेंगे, गुटखा खा के खैनी छूट जाएगा, और गुटखा अपने छूट जाता है तो दियो छूट जाएगा, तब हम अच्छा रहेंगे। अच्छा, खैनी छोड़ने का ही एक तरीका है, नहीं खाना कुछ। अभी तुम बच्चे हो ना, कितना उम्र हो रहा तुम्हारा? मेरा जा रहा है 4 साल। 4 साल, 4 साल में तुम खैनी खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा तुमको, समझा? नहीं खाना खैनी। हाँ, खैनी खाने में जो पैसा लगता है उसकी जगह पे कुछ दूसरा सामान खा लेना। खैनी नहीं खा के चीज है, जो खैनी खाएंगे 10 रुपया के लेंगे, थूकेंगे और उगलेंगे खैनी, और एक से बढ़िया 10 रुपया खाएंगे, पेट 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 पोसते हैं, पेट पोस के से खैनी कहीं काय के लिए खाएंगे, नहीं खाता है सब लोग, लेकिन मैं आप नहीं खाऊंगा, काय के 10 रुपये खैनी है, 10 रुपये खैनी लेके फिर उगल देगा, फिर खाएगा,
उतर क्या एकर से बढ़िया मैं 10 रुपया कुछ भी खा ला लूंगा और खा लूंगा बस पेट पस। सब तो तुम जानते ही हो, फिर खाने क्यों खाते हो? खैनी मत खाना आपसे, समझा? और बाल कटाना अपना, कल्ला डाक कर दूंगा, कसो ला देगा, पुलिस पकड़ लेगा कहाँ पर टेम्पो पर, तो साला छोड़ेगा नहीं, जेल पर डाल देगा। क्या पकड़ता पुलिस? इतना बच्चा लाल करता है और सिट्टी बचाता है, छोरी पटाता है बस भी। कौन गाली नहीं देना चाहिए, गंदा बात, गाली नहीं देना चाहिए, बच्चे हो तुम ना भी, तो पुलिस पकड़ लेता है। तो प्रॉमिस करो आज के बाद तुम खाने नहीं खाओगे, प्रॉमिस करो, बोलो प्रॉमिस। तो बोलो वादा करते हैं, वादा करते हैं आपसे खाने नहीं। हाँ अगर खाने खाएंगे तो हमको नुकसान होगा, ठीक है, ऐसा तुम सोचो अपने मन में, और नहीं खाना चाहिए खैनी, समझा? हाँ, और अच्छा बच्चा बनो, कोशिश करो कुछ काम धाम करके अच्छे से अपना पेट पालो, अपना जिंदगी को आगे बढ़ाओ। कितने लोग रहते हो यहाँ पे, कितने लोग आए हो? 40 हो, एक साथ रहते हो सब ना। तो नाज़रीन ये था आज का वीडियो, मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ अगर कोई भी कहीं भी कोई बच्चा इस हालत में मिले कि उससे मदद किया जा सके, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप उस बच्चे की मदद करें, जहाँ तक हो सकेगा उस बच्चे की मदद करें, और उस बच्चे को सही से सही बात बताएं और उसे समझाएं ताकि वो कुछ अच्छा करे अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।